हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। सावन का ये चौथा सोमवार है तो सबको हर हर महादेव। और दोस्तों, आज हम लोग सावन के महीने में कथा सुनने जा रहे हैं। ये भोले बाबा का मंदिर है, हमारे गांव का काफ़ी फेमस है, और यहाँ शंकर जी भी हैं। और उनके सावन के पावन में हम लोग कथा सुनने जा रहे हैं। ये अपने लोग सभी पीछे हैं, तो ये आज का हम लोगों का कथा है, देख सकते हैं। और इधर भोले बाबा हैं, और वो पीपल का पेड़ है उसके नीचे। हम आपको जब पूजा पाठ शुरू हो जाएगा तो हम आपको दिखाएंगे। और हमारे साथ कई लोग हैं, और उधर मम्मी लोग हैं, उधर बैठी हुई है। तो सभी के साथ आज का ये हमारा ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने जा रहा है, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहें। और जब कथा होगा उस टाइम का हम आपको दिखाएंगे वीडियो, क्योंकि आज का वीडियो हमारे लिए काफ़ी और आशीर्वाद जहाँ तक है, तो हम सोच रहे हैं कि भोले बाबा को मिल जाए। सावन का महीना है, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, हम आपको दिखाएंगे कथा के टाइम पर। तो दोस्तों, ये शंकर जी हैं, आप लोग देख सकते हैं। और उनके ये क्या बोलते हैं, गौ माता। अरे इसके ये छोटे छोटे भगवान हैं। हम लोग अभी जल वल चढ़ा चुके हैं फिलहाल, और इधर पूरी बनने जा रहा है। ये हमारे समधी हैं, ठीक है। ये लाल पीला पगाड़ी में हैं, और इधर ये चूल्हा बना रहे हैं प्रसाद के लिए, बनाएंगे। सारी सामग्री उपस्थित हो चुका है, कुछ देर बाद जब बनाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे। और ये मंदिर है भोले बाबा का।
गाइस अभी हम लोग पूजा संपन्न करा के आ गए हैं। अभी फ़िलहाल हम घर में आ गए हैं, अभी जस्ट आए हैं और सोच रहे हैं खाना खा लें। खाना खाने के बाद अब दुकान में बैठना है। आज दुकान भी बंद था फिलहाल, तो हम खाना खा लेते हैं फिर इसके बाद मिलते हैं आपसे। और खाने में ये चावल है और इधर दाल और सब्जी आज यही मिला है। आज सुबह से व्रत था, भूख भी बहुत लगा है, तो हम सोच रहे थे खा लें और आप भी खा लीजिए जो लोग नहीं खाए होंगे तो प्लीज़।